हरे कृष्णा। आज की वीडियो में आप जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। हर साल कुल मिलाकर 24 एकादशी व्रत पड़ते हैं, जिनमें से निर्जला एकादशी इन सभी 24 एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण होती है और हमारे धार्मिक पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से साल के सभी एकादशी व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की मनुष्य पर असीम कृपा बनी रहती है और ऐसे मनुष्य को दीर्घायु और मोक्ष प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत में जल पीना वर्जित होता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से धर्म अधर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के दिन ही गायत्री जयंती भी मनाई जाती है और इस बार निर्जला एकादशी की तिथि आरंभ होगी 17 जून सोमवार को सुबह 4:04 से। इसके साथ तिथि समाप्त होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6:02 पर और एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार इस बार 18 जून मंगलवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण भी हो रहा है। सर्वार्थ सिद्ध का योग का समय इस दिन सुबह 5:02 से 6 तक रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 17 जून को सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि लग रही है तो 17 जून को उपवास क्यों नहीं रखा जाएगा? तो देखिए, क्योंकि अगले दिन 18 जून को सुबह सूर्योदय से लेकर के दोपहर तक हरिवासर का समय रहने वाला है और हरिवासर का समय समाप्त होगा 18 जून मंगलवार को दोपहर 12 तक। एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार जब तक हरिवार रहता है तब तक एकादशी का उपवास नहीं खोला जाता, हमेशा हरिवासर का समय बीतने के बाद ही उपवास खोला जाता है। ऐसे में जो लोग 17 जून को उपवास रखना चाहते हैं तो उन्हें अगले दिन दोपहर 12 के बाद व्रत का पालन करना होगा। ऐसे में एकादशी का उपवास बहुत अधिक समय के लिए हो जाएगा, इसलिए आप सभी को 18 जून को ही उपवास रखना चाहिए। जो लोग इस नियमों का पालन नहीं करें और 17 जून को ही उपवास रखना चाहते हैं तो उन्हें यदि उपवास खोलना भी हो तो 18 जून मंगलवार को दोपहर 1 से 3 के बीच में अपना उपवास खोल लेना होगा। हालांकि शास्त्र समस्त अर्थ यही है कि जब भी एकादशी तिथि इस तरह से 2 पड़ती है तब सभी को, चाहे वह गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, उन्हें दूजी दशी का ही उपवास रखना चाहिए। 18 जून मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:10 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। शिव योग सारा दिन रहेगा जो कि रात 9:48 पर समाप्त हो जाएगा। बाद में सिद्ध योग आरंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:54 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 3 से 4:30 तक रहेगा। 19 जून बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:10 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। सिद्ध योग सारा दिन रहेगा जो कि रात 9:01 पर समाप्त होगा और इसके बाद ही संध्या योग प्रारंभ हो जाएगा। यह सभी योग बहुत ही शुभ है। इन शुभ योगों में की गई पूजा या रखा गया उपवास अवश्य फलित होता है। विशाखा नक्षत्र शाम 5:02 तक रहेगा। बाद में राधा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा और इस दिन राहु काल दोपहर 12 से 1:30 तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6:02 से और समाप्त होगी 19 जून बुधवार की सुबह 7:02 पर, क्योंकि बुधवार को बहुत जल्दी ही द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, इसलिए तिथि समाप्त होने से पहले पहले आपको उपवास खोल लेना होगा। अब जानिए पारण मुहूर्त के बारे में। 19 जून बुधवार को एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा सुबह 5:45 से 7:02 के बीच में निर्जला एकादशी के
दिन सुबह स्नान करके सूर्योदय को अर्घ्य जरूर दे। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करे और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करे। व्रत कर रखना चाहते हो तो व्रत का संकल्प ले। यदि आप निर्जला व्रत रखना चाहते हो तो निर्जला व्रत का, और यदि आप फलहार ग्रहण करके व्रत करना चाहते हो तो फलहार का भी आप संकल्प ले सकते हैं। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल, पंचामृत अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद आपको अगले दिन सूर्योदय होने तक जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी है। एकादशी व्रत के दिन संकल्प लेते समय जो आचमन किया जाता है जल की, बस उतनी ही बूंदें आप ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप बहुत ज़्यादा प्यास दिन में लगती है तो आप एक या दो बार पानी के कुतला भी कर सकते हैं। ध्यान रहे पानी मुंह के अंदर ना जाए। एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व होता है। आप जरूरतमंद लोगों को दान करें ताकि आपको मनवांछित फल की प्राप्ति हो सके, और ऐसा करने से सभी पापों का भी नाश होता है। अगर आज के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक किया जाए तो उससे सभी मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाती है। द्वादशी तिथि को विधि विधान से पूजा करने के बाद शुभ मुहूर्त व्रत का पारण करना चाहिए। यही थी आज की वीडियो। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।